Just speaking about that score for Nadeem, so he's finished with a 91.79 throw. But yes, the biggest story so far, Neeraj Chopra, ladies and gentlemen, has been able to pick up India's very first silver medal this season in the Paris Olympics 2024. I want to take it back to Isha, who's been relentlessly getting us all the coverage there, speaking to the father. Isha, where is the family? Are they celebrating already? बिल्कुल बिल्कुल, सभी अपने देश के लिए फाइट कर रहे थे, सभी का अपना दिन होता है खिलाड़ी का, और हमें सिल्वर मिला, खुशी है हमें बहुत। लेकिन अर्शद, नदीम ने असंभव सा एक भाला फेंका, अब क्या लगता है आने वाले समय में ये और कंपटीशन जो और टफ होगा? बिल्कुल बिल्कुल टफ होगा, सभी अपने देश के लिए लड़ते हैं और आने वाला टाइम और भी टफ होगा और बच्चे और भी निखर के आएंगे। नीरज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नीरज से भाई यही कहना चाहेंगे, उसने अपने देश के लिए जी जान लगा दी, अपनी तरफ से उसने 100% दिया। सतीश जी, कमाल की परफॉर्मेंस नीरज की तरफ से, एक बार क्या कहेंगे नीरज को? सबसे पहले नीरज के लिए जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रही है, उसने देश के लिए मेडल जीता है, बहुत खुशी की बात। नीरज ने एक बार फिर साबित करा है कि एशिया में या दुनिया में खड़ा खड़ा हो रहा नहीं है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस जो सिल्वर के साथ रही है। क्या एक फाइनल मैसेज? थोड़े पिछड़े हो, एक मिनट, एक लाइव है, लाइव ले एक बार, एक मिनट, एआई का ले, बोल भाई बोल। सर हाँ, एक मिनट, आवाज नहीं, आवाज नहीं, खिला दो पहले। अरे मैडम, उसका विजुअल तो कराने को। सर, नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल एक मिनट सुनिए, क्या किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सिल्वर मेडल है, पहले एथलीट है, लगातार दो बैक टू बैक मेडल। जी बिल्कुल, अपने देश के लिए खूब फाइट किया, उसने सिल्वर मेडल जीता है, बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है, पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। नीरज, अपनी परफॉर्मेंस से खुद निराश लगे, चार फाउल हुए, क्या कहेंगे? अगर फाउल नहीं होता तो क्या गोल्ड भी आ सकता था पाकिस्तान के अर्शद नदीम की जगह? देखो सही में तो हमें लगता है जो उसको ग्रोइन इंजरी थी वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे और उसी में कोई दिक्कत रही है। आगे सर, आगे के लिए क्या इतना बड़ा, कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी? क्या प्रेरणा कितने युवाओं को मिलेगी सर? पूरे भारत को मिलेगी, जितने युवा खिलाड़ी हैं सभी प्रेरित होंगे कि भाई दो बार अपने मतलब ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। पहला सिल्वर मेडल है इस ओलंपिक में, अभी तक सिल्वर नहीं मिला ना गोल्ड मिला, क्या कहेंगे? जी हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पांचवा मेडल जीत पाए हैं, अभी और खिलाड़ी बाकी हैं, मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए। सर हो गया तो जल्दी पूछिए किसी को पूछना। So what you've heard, ladies and gentlemen, is the first response that has come in from Neeraj's father, Satish, who's very, very happy, extremely elated, and he says, my son has done the entire country proud. These are images coming to us from Panipat of celebrations, laddus already being distributed. You also saw a lot of crackers going up there. And we must say, you know, Karishma, as you've also tracked the entire, journey for us of the Olympics and every game, every athlete, that he's the only Indian in 128 years of the Olympic history to have won a gold in Tokyo in 2020 and a silver medal in Paris 2024. I also do see Isha, but before I go to Isha, Karishma, to you. This really tells us that Neeraj is made of steel. You know, that resilience, that courage, and that entire drive to get better of himself is what has delivered this spectacular result, Karishma.
Well, yes, absolutely, Deepti. He has worked very, very hard. Remember, he has battled injury as well. And now to win the silver medal has been fantastic for him. He's got the first silver medal for India in Paris 2024. We finally see a changed colour medal thanks to Neeraj Chopra. And this has been historic. 89.45, his season best performance as well. Of course, kudos to Arshad Nadeem as well, who's won the gold medal with an Olympic record throw of 92.97. But it just tells you the kind of athlete Neeraj Chopra is, from Tokyo 2020 to battling injuries this year, not being a fully fit, and then to come into the Olympic Games and give it his all to win a medal for the country. Of course, this has been a landmark moment for Neeraj Chopra and for Indian athletics. Remember, 7th August after 2020 Olympics was reinstated as Javelin Day, as Neeraj Chopra Day. And today on the 8th of August, he has done the same. He has won the medal for India and made the entire country proud. Absolutely, absolutely. And there are tons of reactions already coming in. This, ladies and gentlemen, is no mean feat. You've seen a significant, their contribution by Neeraj when it comes to the game, when it comes to how he's changed the entire conversation around the game and ensuring that he creates history. We are quickly heading into a break on the other side. There's lots more coming up. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.